हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ अ बॉडी इन टू डायमेंशन, या दूसरे तरीके से बोले तो इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला बनेंगे, उसके डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब टू डायमेंशनल मोशन है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऐसे थ्रो किया, डायरेक्टली वर्टिकली नहीं, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली भी नहीं, ठीक है, थोड़ा इंक्लाइन करके फेंका, तो ये कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा। इसका मतलब इसका मोशन जो होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस बना के बता रहा हूँ, यहाँ पे इसका मोशन जो होगा, इसका मोशन दो एक्सिस में होगा। जैसे यहाँ पे देख ले, मान लेते हैं जो पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान ले, ठीक है, ओ पॉइंट मान लेते हैं, और इस ओ पॉइंट से सर्टेन एंगल पे एक्स एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल सरफेस से सर्टेन एंगल पे विद सर्टेन वेलोसिटी इसको ऐसे फेंका गया, तो ये क्या होगा? ये ऐसे ऊपर की तरफ भी जाएगा, आगे की तरफ भी चलेगा। देखो ये बॉडी जो है, ये बॉडी एक ही डायरेक्शन में नहीं है, दो डायरेक्शन में है। ये आगे भी चल रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी चल रहा है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी चल रहा है ऊपर भी जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसके बाद फिर ये नीचे गिरेगा आगे जाएगा, नीचे गिरेगा आगे जाएगा, नीचे गिरेगा आगे जाएगा, नीचे गिरेगा आगे जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो जिस पॉइंट से ये ऊपर जाना छोड़ के नीचे गिरने लगा, उस पॉइंट से नीचे तक का ग्राउंड सरफेस तक का डिस्टेंस को हम लोग हाइट बोलेंगे, जिसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। एच इज द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, यू इनिशियल वेलोसिटी है। तो देखो इसमें दो किस्म का मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी है, एक वर्टिकल मोशन भी है। तो ये यू है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटीज के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक ये कंपोनेंट बनेगा एक्स कंपोनेंट, दैट इज यू एक्स, और एक वाई कंपोनेंट बनेगा, दैट इज यू वाई। चलो हम लोगों ने वेक्टर इजोलेशन में ये पढ़ा होगा, यू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, यू कॉस थीटा होता है। यू कॉस थीटा क्यों? जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होगा, जिसके पास थीटा नहीं होगा वो साइन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया u sin थीटा। अब देखो जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है और जिस पॉइंट पे ये गिरा है ग्राउंड पे, यहां से लेकर, मान लेते हैं यहां से इस पॉइंट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं रेंज, या इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, और h को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम, और R को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब दूसरा एक टर्म और जान लो, इस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया है फ्लाइट में, ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, एयर में उड़ा दिया, तो यहां से लेकर ये एयर में है, 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 इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक किया, ग्राउंड पे आ गया। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का आने में जो भी टाइम लगा, जो भी टाइम लगा, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही तीन पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एच आर एंड टी, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। इसको मिटा देता हूं अभी के लिए, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह ड्रॉ करूंगा। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन याद ये करने के लिए मैंने दो पॉइंट्स बताना है, वो दो पॉइंट्स क्या है, अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में यहाँ पे बात करेंगे और वाई एक्सिस के भी अलॉन्ग में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये टू डायमेंशन मोशन है, तो x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में भी ये मूवमेंट कर रहा है और y एक्सिस वर्टिकल में भी मूवमेंट कर रहा है। तो अलॉन्ग x एक्सिस अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा हमेशा से कांस्टेंट होगा,
इसके हर पॉइंट पे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसके हर पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस का एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे यू यू कॉस थीटा है, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगा, यहाँ पर भी यू कॉस थीटा होगा। तो इस पाथ के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो। वाई एक्सिस में अगर बात करें तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगा चेंज। कैसे, जैसे ये तो ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, ठीक है ना, लेकिन y का कंपोनेंट जो है इसको ऊपर की तरफ जो तान रहा है, तो शुरू में ये क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से जाएगा, धीरे 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 कम होते जाएगा, मैक्सिमम स्पीड पे इसका y कंपोनेंट का वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ y एक्सिस में वेलोसिटी जो होगा फर्स्ट डिक्रीजेस, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा जीरो वाई एक्सिस में। तो देन वेलोसिटी जो होगा नीचे गिरने लगेगा, तो ये क्या होने लगेगा, इंक्रीज इंक्रीज। देखो जब ऊपर जाएगा, जैसे हम लोग कोई स्टोन ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी शुरू में फूक फास्ट में जाएगा, धीरे 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 धीरे, उसके बाद क्या होगा नीचे गिरेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा इसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो और तुरंत गिरने लगेगा। तो वेलोसिटी जो होगा ये स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचा, वेलोसिटी जीरो, उसके बाद फिर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये दो पॉइंट तुमको याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन पैरामीटर निकालेंगे, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल लेंथ, टाइम ऑफ फ्लाइट। उससे पहले भी हम लोग एक देख लेते हैं, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कोई है उसका पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे पाथ होगा, सर्कुलर होगा या पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, किस तरह का पाथ होगा। उसके लिए हम लोग मान लेते हैं, जैसे यहां से एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने थ्रो किया तो ये कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, हालांकि ये चल रहा है, ये मोशन में ही है, रेस्ट में नहीं होगा, कभी भी हवा में कोई ऑब्जेक्ट जो होगा लटका नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने माना इस पॉइंट पे जब आया, इसके लिए इसको लगा टाइम टी, कितना टाइम लगा भाई साहब, टी टाइम, स्मॉल टाइम टी लगा, और ये टी टाइम पे ये पी पॉइंट पे पहुंच गया। पी पॉइंट में पहुंच गया कहने का मतलब क्या हुआ, ये इतना हाइट कवर किया, ये इतना हाइट ऊपर चला, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है तो इतना हाइट को हम लोग मान लेते हैं वाई, ये हाइट मैक्सिमम हाइट है और इससे पहले वाला पॉइंट है यहाँ पे वाई, और हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस है एक्स। तो चलो इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स कमा वाई, पी इज द पॉइंट, एक्स कमा वाई, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एंड वाई इज द वर्टिकल हाइट ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। चलो ये हम लोगों ने माना, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का बात करेंगे। तो यहाँ टू डायमेंशनल मोशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग में जा रहा है ऑब्जेक्ट, वाई एक्सिस के अलोंग में जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग में फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वाई एक्सिस के अलोंग में हम लोग बाद में करेंगे, उस वक्त नहीं करेंगे, उस वक्त कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक समय में या तो एक्स एक्सिस के अलोंग में करो या तो वाई एक्सिस के अलोंग में करो, दो में से एक कोई करेंगे। तो देखो टाइम टी में टी टाइम के बाद जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ, यहां से फेंका गया, तो ये ऑब्जेक्ट टी टाइम के बाद एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली एंड वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया वर्टिकली। तो एक्स डिस्टेंस के लिए और वाई हाइट के लिए टाइम दोनों के लिए क्या है, सेम ही है, टी टाइम है। तो यहां पे देखिए हम लोग बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग में बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है टी टाइम में, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई साहब हाँ ना बोल दो, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग में, इसलिए यू एक्स मैंने लिखा टी टाइम के बाद, और एक्सेलरेशन अलोंग व्हाट, एक्स एक्सिस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, देखो तो यू एक्स कहने का मतलब कितना है, यू कॉस थीटा, u cos थीटा इंटू टी,
और यहाँ पे देखो 1/2 ax t स्क्वायर है। मैंने इससे पहले ही बता दिया है कि x एक्सिस में वेलोसिटी जो होगा कांस्टेंट होगा, इसलिए एक्सीलरेशन जो होगा कितना होगा, जीरो। तो ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया। यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई यू कॉस थीटा। चलो ये आया समझ, x के अलोंग में जो मोशन है उससे हम लोगों ने एक फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, और इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर दिया, x t का वैल्यू t इक्वल टू कितना हो जाएगा, u x बाई यू कॉस थीटा। चलो अलोंग y एक्सिस अगर बात करें, अलोंग y एक्सिस हम लोग बात करें तो अलोंग y एक्सिस क्या होगा, देखे तो y एक्सिस पे क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। लेकिन ये तो a y के टर्म में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में हो तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा ये इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखिए यू वाई जो है कितना है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या इसको हम लोग यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, वर्टिकल मोशन में, अरे भाई वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये ऊपर जा रहा है इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग माइनस लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई, यू वाई कहने का मतलब कहाँ पे है, यू वाई का वैल्यू u साइन थीटा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या यहाँ पे u साइन थीटा, और यहाँ पे t, t का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कितना है, x बाई यू कॉस थीटा रख दे यहाँ पे, x बाई यू कॉस थीटा प्लस 1/2, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, जी टी स्क्वायर, टी कहने का मतलब x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे देख लो y इज इक्वल टू यू, यू कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कहने का मतलब कितना हो जाएगा, टैन थीटा इंटू एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, जी हो गया, ऊपर जी हो गया, वन इंटू जी जी हो गया, और नीचे टू हो गया, टू यू कॉस थीटा का स्क्वायर है, कहने का मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो इस इक्वेशन को देख लो अच्छी तरह से, क्या ये इक्वेशन कहीं पे तुम लोगों ने देखा है ऐसा इक्वेशन, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में देखा होगा वाई इज इक्वल टू ए के एक्स स्क्वायर या वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ इक्वेशन देखा होगा। ये इक्वेशन जो है मैथमेटिक्स में पैराबोला का इक्वेशन है। किस चीज का इक्वेशन है, पैराबोला, पैराबोला एक किस्म का पाथ है, ये लोकस है, तो ऐसा कुछ लोकस बना, ये सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ऐसे पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन को इसको देखें तो यहाँ पे देखो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के टर्म में है, दिस इज सिमिलर टू इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे b का वैल्यू माइनस में है या प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, तो प्लस बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। इट मीन्स द प्रोजेक्टाइल मोशन हैज पाथ ऑफ पैराबोलिक, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होगा। चलो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, पैराबोलिक मोशन में कैसे पाथ कवर होते हैं, कैसे पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कैसा पाथ कवर करेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला या पैराबोला, तो हमको क्या आंसर देना होगा, पैराबोला। यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन जैसा आ गया, इसलिए ये पैराबोलिक पाथ कवर करता है, हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा चलते हैं अब कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट ही कैलकुलेट कर लें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब क्या हुआ, इसको मिटा दे ये टी को, ये तो समझ चुके हो गए, और इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, हालांकि तुम इसको डेराइव करते वक्त 11 क्लास में ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो ये डेरिवेशन करते वक्त तुम लोग यहाँ पे मिटाना नहीं है, मैं हालांकि यहाँ पे और कुछ बनाने वाला हूँ इसलिए मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब जिस पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ और जिस पॉइंट पे ये गिरेगा वहां तक लगने वाला टाइम हो गया, ठीक है भाई साहब। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक ही बार में अगर निकालना चाहोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा,
तो इसके लिए थोड़ा मेथड यूज करते हैं। एक बात समझ लो, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए या किसी भी वर्टिकल मोशन के लिए एक बात समझ लो। जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ऐसे थ्रो किया, ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे गया, तो यहां से ग्राउंड से ये मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना टाइम लगाया, मान लेते हैं 2 सेकेंड, तो ऊपर से ये नीचे गिरेगा ना, तो उतना ही टाइम लगाएगा जितना टाइम में ये ऊपर गया है, ठीक है। तो यहां से ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक का जाने का टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। कहने का मतलब इतना टाइम में ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पे, और टाइम यहां से लेकर यहां तक जब गिरेगा इसके लिए जितना टाइम लगेगा इसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा हमेशा इक्वल ही होगा, हमेशा, ये किसी भी सिचुएशन में ऐसा होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट, अगर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, या कह सकते हैं 2 times टाइम ऑफ एसेंट, कह सकते हैं कि नहीं। अरे यार, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगा, यहां से लेकर यहां तक 2 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक टोटल 4 सेकेंड, तो टोटल 4 सेकेंड लगे, तो इसको दो दो और दो जोड़ दो या 2 into 2 कर दो, तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग निकालेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट के लिए कुछ बार आ एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट को अगर डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो, इट इज द टाइम टेकन बाय बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड टू द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्सिस का वेलोसिटी जो होगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, y एक्सिस का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करेंगे तो y एक्सिस में vy इज इक्वल टू uy प्लस, अरे यार ऊपर जा रहा है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस gt, अरे v इज इक्वल टू कितना होता है u प्लस at, अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो v इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, u माइनस gt, ये तो लिखते हैं ना यार। तो यहाँ पे y एक्सिस में जा रहा है इसलिए यहाँ पे दो किस्म का मोशन है, इसलिए y और x मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, y कहने का मतलब y के अलग में, x कहने का मतलब x के अलग में। तो यहाँ पे y एक्सिस के वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी यू वाई हो गया, और y एक्सिस वर्टिकल मोशन है तो वहां पे एक्सीलरेशन कितना होगा, इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, uy का वैल्यू तो हमको मालूम है भाई, u sin थीटा होता है सर, माइनस कितना होगा gt, तो यहाँ पे निकाल दो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो gta इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा। तो यहाँ पे TA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U sin थीटा बाई G। ये देखे तो ये तो टाइम ऑफ एसेंट आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू T विल बी इक्वल टू 2 times टाइम ऑफ एसेंट, कहने को मतलब 2U sin थीटा बाई G हो जाएगा। अरे यार इस फॉर्मूला को ध्यान में रख लो, मंत्र है, जाप कर लो, ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हम लोगों ने डिस्कशन करते वक्त ही, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे, ओरिजेंटल रेंज फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट। तो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब फिर से मैं बता दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर जहां गिरा वहां तक का टाइम। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक को हम लोग बोले टाइम ऑफ एसेंट जो कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए लगने वाला टाइम था, एक को हम लोग बोले टाइम ऑफ डिसेंट जो कि मैक्सिमम हाइट से
नीचे ग्राउंड तक लगने वाला टाइम, और किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के सिचुएशन के लिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इक्वल होगा, जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में ये नीचे गिरेगा। तो कहने का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों इक्वल होने की वजह से टू टाइम टाइम ऑफ एसेंट लिख सकते हैं। बोलेगा कोई टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा भाई साहब, तो टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा बाई जी। चलो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के जगह पे, मैक्सिमम हाइट जहां पे है वहां पे y का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, y कंपोनेंट का वेलोसिटी कितना होगा, बी वाई विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा ये मालूम है कि नहीं मालूम है, y कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, कहां पे, मैक्सिमम हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर y कंपोनेंट का वेलोसिटी जीरो होगा तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन y में लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे भाई मैकेनिक्स का सबसे जन्म घुट्टी बोलते हैं ना, वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहां पर भी लगा दो कुछ भी कैलकुलेट कर दो, कहीं पर भी मोशन का बात आ रहा है उसको थोड़ा कंसिडरेशन करके वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत काम लगने वाला है। तो हम लोग मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करें, तो मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब वर्टिकल मोशन है, वाई एक्सिस का मोशन है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस ट्रेवल है, तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वाई एक्सिस में, तो बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच लिख सकते हैं क्या, आया ना बोलते रहना, आया ना बोलते रहना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यार, जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर कितना होगा, यू वाई का वैल्यू होगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो ये देखिए माइनस टू जी एच को इधर ले आ दे, टू जी एच इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा, टू जी। फास्ट तो नहीं हो रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ तो आ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट का हम लोग फॉर्मूला निकाले कितना, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। यहां तक समझ लिए, अरे हाना कुछ तो बोल दो यार, मैक्सिमम हाइट तक समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने निकाला कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। अब देखिए यहां पे तीसरा हम लोगों को निकालना है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कहने का मतलब किस एक्सिस का मोशन है, किस एक्सिस का डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से सुनिए यहां तक। अरे जा तो ऐसे रहा है, देखो यहाँ पे जा तो ऐसे रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर बात करें हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ओ से लेके इस पॉइंट तक, तो ऐसे यहां तक है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कहने का मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, अरे यार एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस को, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेंज को आर मान लिया, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यू एक्स, ठीक है यू एक्स। और यहां से लेकर यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो यहां से लेकर यहां तक आने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लगा होगा सर। अरे भाई इस पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैपिटल टी हम लोगों ने डिनोट कर दिया यहाँ पे, तो यू एक्स इंटू टी प्लस वन बाई टू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सर आपने तो बोला था कि एक्स एक्सिस के मोशन में वेलोसिटी जो होगा कॉन्स्टेंट होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। कितना आसान हो गया, आर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे यू कॉस थीटा है, और टी का वैल्यू हम लोगों ने यहीं पे फाइंड आउट किया है कितना है, टू यू साइन थीटा बाई जी। अच्छा सर ऐसा आ गया,
तो यहां पे देखिए यू और यू, यू स्क्वायर हो सकता है और टू को आगे लिख दें, साइन थीटा को भी आगे लिख दें, उसके बाद कॉस थीटा लिख दें, बाई जी लिख दें, तो यू स्क्वायर, यू स्क्वायर तो जहां पे है वैसा ही रहेगा, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर ही लिख दें। और यहां पे देखिए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहने का मतलब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, ये तो है साइन टू थीटा का फॉर्मूला बाई जी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारे पास फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया टू यू साइन थीटा बाई जी। तो हमारे पास तीन फॉर्मूला आ गए जो मैंने बताया था शुरू में ही, ये हमको कैलकुलेट करना है, ये हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पूरा डेरिवेशन हुआ। तो समझ में आया, आई होप सभी को समझ आ रहा आया होगा ये चीज, तो अच्छा आप लोग इसको बोर्ड को। तो यहाँ पे देख लो ये फॉर्मूला हो गया रेंज का यू स्क्वायर टू साइन टू थीटा बाई जी हो गया। नहीं, अब देखिए मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम रेंज कोई एक बैट्समैन है, वो बैट्समैन अगर बॉल को हिट किया तो कितने एंगल से अगर हिट करेगा वो, तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो, देखो वी नो रेंज इज इक्वल टू कितना होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होगा, है कि नहीं ये रेंज। तो देखो यहाँ पे यू तो कितना ज्यादा कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी, तो यहाँ पे यू जो है कांस्टेंट है, जी जो है ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेंज होने वाला कौन है साइन टू थीटा। यहाँ पे देखिए साइन टू थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए साइन टू थीटा का वैल्यू कितना होना पड़ा, तो साइन टू थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए, साइन टू थीटा का वैल्यू अगर सबसे ज्यादा हो जाए तो आर विल बी मैक्सिमम, आर मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा का वैल्यू क्या होना पड़ा मैक्सिमम, और साइन का, साइन टू थीटा थ्री थीटा फोर थीटा जितना भी करो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वन, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वन, तो साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू वन, और अगर साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन है तो वन कहने का मतलब साइन 90 होगा, साइन साइन हटा दो टू थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो अगर कोई बैट्समैन 45 डिग्री एंगल में अगर बॉल को हिट करेगा तो वो मैक्सिमम रेंज ट्रेवल करेगा, तो मैक्सिमम रेंज कितना हो जाएगा आर मैक्स कितना हो जाएगा, तो आर मैक्स विल बी इक्वल टू साइन, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन टू थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे वन रखेंगे, मैक्सिमम रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, ये हो गया मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। अगर कोई बोले तुमको मैक्सिमम रेंज निकालना है तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का ये हमारा फॉर्मुलेशन। अब थोड़ा बहुत हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए, यहां तक समझ आ गया होगा।